दोस्तों, अगर आप लोग जानना चाहते हो ऑटो पार्ट्स इंडस्ट्री में कौन सी अच्छी कंपनियां हैं, कुछ कंपनी अगर आपने ली हुई है तो उसमें क्या किया जाए, आने वाले समय में ऑटो इंडस्ट्री से क्या उम्मीद रख सकते हैं अच्छे ग्रोथ की, अगर हाँ तो कौन सी कंपनी आगे बढ़ सकती है, आइए दोस्तों ऑटो पार्ट्स इंडस्ट्री जिसमें ढेर सारी लिस्टेड कंपनियां हैं, तो हो सकता है आपको कंफ्यूजन भी हो ये अच्छी की वो अच्छी। चलो दोस्तों, हम कुछ अच्छी कंपनियों को देखें और ऑटो पार्ट्स को समझने का प्रयास करें, कितनी कंपनियां हैं, कौन धंधा करती है, क्या ग्रोथ है, किन की प्रॉफिटेबिलिटी अच्छी है और कहाँ पे वेल्थ उम्मीद की जा सकती है, राइट? चलिए दोस्तों मेरे साथ। ये जानकारी के लिए मैं आ गया हूं हमारी ऐप पे। इसमें डिमांडिंग इंडस्ट्री नाम के टॉपिक पे मैं जाता हूँ, राइट? तो डिमांडिंग इंडस्ट्री पे मैंने क्लिक किया। अब जब हम डिमांडिंग इंडस्ट्री पे जाएंगे तो यहाँ पे तो कई अलग अलग डिमांडिंग इंडस्ट्रियां होगी। डिमांडिंग इंडस्ट्री यानी वो इंडस्ट्रीज दोस्तों जो ग्रोथ कर रही है, राइट? कुछ हाई ग्रोथ होती है, इमर्जिंग होती है, कुछ ग्रोथ कर रही होती है, हो सकता है इतना हाई ग्रोथ ना भी हो। अब मेरे को यहाँ पे सीधा ऑटो इंडस्ट्री जानना है तो मैं क्या करूंगा, देखो लाइन टू लाइन अलग अलग इंडस्ट्री दी हुई है, टू थ्री व्हीलर इंडस्ट्री, एडवर्टाइजिंग। मैंने देखा है कई लोग की कई क्वेरीज होती है, कई लोगों के क्वेश्चन होते हैं, पीयूष भाई ये शेयर का कैसा रहना चाहिए, ये शेयर कैसा है। मेरे हिसाब से 85% ऑफ योर स्टॉक क्वेरीज विल बी सॉल्व डायरेक्टली फ्रॉम द डिमांडिंग इंडस्ट्री चैप्टर। कैसे? मैं सीधा डिमांडिंग इंडस्ट्री में आ गया तो भारत की मेजोरिटी ऑफ द ग्रोइंग इंडस्ट्रीज तो इसमें आ गई। अब जैसे मैं ढूंढ रहा हूं ऑटो पार्ट्स, ये कंट्रोल एफ किया, ऑटो पार्ट्स आ गया, देखो कितना आसान था। अब मैं डायरेक्ट कंपनी भी लिख सकता हूँ यहाँ पे, फॉर एग्जांपल मदरसन सुमी लिखना है, ढूंढना है, देखो मदरसन सुमी पे आ गया, इनके बाइंग प्राइस, इनकी डिटेल सब याद दी होगी, राइट? फिलहाल हमें मदरसन से ज्यादा ऑटो पार्ट इंडस्ट्री की जरूरत है, तो थोड़ी उसकी डिटेल लेते हैं। मैंने इसके लिए यहाँ पे क्लिक किया ऑटो पार्ट्स इंडस्ट्री पे, ऑटो पार्ट्स एंड इक्विपमेंट इंडस्ट्री की मैं डिटेल पहले देख लेता हूं। दोस्तों ये एक पेज खुल चुका है जहां पे इंडस्ट्री की कुछ डिटेल होगी। दोस्तों मैं ये चाहता हूं कभी भी आप कोई कंपनी में निवेश करें उससे पहले इंडस्ट्री की कुछ डिटेल ले ले, सीधे सीधा कंपनी से इंडस्ट्री जानना जरूरी है, क्योंकि कोई भी कंपनियां नहीं चलती है, वो कंपनियां चलती है क्योंकि इंडस्ट्री चल रही होती है, या कंपनियां टूटती है क्योंकि इंडस्ट्री टूट रही होती है। तो पहले दोस्तों इंडस्ट्री के बारे में, यह है आपके सामने ऑटो पार्ट्स एंड इक्विपमेंट इंडस्ट्री, यह है डैशबोर्ड। जैसे डैशबोर्ड को मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो एक पूरा डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा जिसमें इंडस्ट्री की काम की सारी डिटेल दोस्तों यहाँ पे आ जाएगी। हम इनकी चर्चा करते हैं, उससे पहले थोड़ा यहाँ पे मैंने कुछ डिटेल डाली हुई है। दोस्तों लॉन्ग टर्म ग्रोथ इस इंडस्ट्री का 19% कगार का है, यानी एक अच्छे ग्रोथ से बढ़ती हुई ये इंडस्ट्री है। पिछले 2 दशक में ग्रोथ तो काफी अच्छा रहा है, प्री कोविड 3 साल का ग्रोथ 5% का रहा, यानी प्री कोविड, कोविड से पहले के जो 3 साल थे इसमें 5%, यानी कुछ एट्रेक्टिव ग्रोथ नहीं है। ये डेटा देख के हमें आइडिया आता है कि भी इंडिया तो करीबन पिछले 3 साल में भी 6% की ग्रोथ से बढ़ रहा था, तो ये थोड़ी म्यूटेड इंडस्ट्री है। 2018 से दुनिया भर में मंदी सवार थी, तो दुनिया की मंदी के साथ ये ऑटो पार्ट्स की इंडस्ट्री का भी कोई ताल्लुक है, क्योंकि 19% का ग्रोथ खाली 5% आ गया है, राइट? अब इस साल क्या हाल है, करंट ईयर ग्रोथ 156% Q1 का आया, अब तक के Q1 के नतीजे आ चुके हैं। Q1 के मुकाबले पिछले Q1 से इस साल के Q1 में 150% का ग्रोथ। ये दोस्तों हाल है कि इसलिए है क्योंकि पिछले साल ज्यादातर Q1 का समय लॉकडाउन में बीता, तो लो बेस के कारण इतना ह्यूज ग्रोथ दिखता है, लेकिन फिर भी हम एक चीज जरूर कह सकते हैं, ग्रोथ विजिबल है। हम लोअर लेवल पे कंपनियों को ऐड करने का सोच सकते हैं। दोस्तों ये जो इंडियन ऑटो इंडस्ट्री पूरी अगर गिने हम, ऑटो पार्ट्स नहीं, पूरे पूरा ऑटो इंडस्ट्री, तो ये अलग अलग पार्ट में डिवाइड होती है। आप सोचते हो मुझे ऑटो ऑटो इंडस्ट्री में निवेश करना है, तो ऑटो इंडस्ट्री में एक होता है पैसेंजर व्हीकल,
एक होता है कमर्शियल व्हीकल, एक है टू व्हीलर थ्री व्हीलर, एक है ऑटो पार्ट्स एंड इक्विपमेंट और एक है टायर इंडस्ट्री। दोस्तों जो इंडस्ट्री का ग्रोथ ज्यादा अच्छा, जहां के बिजनेस सस्टेनेबल हो, जहां की कंपनियां क्वालिटी हो, वहां पे हम ज्यादा पैसा डाल सकते हैं। पर ये जानने के लिए हमें ये सारी इंडस्ट्री देखनी होगी, राइट? दोस्तों टोटल अगर हम देखें तो दुनिया भर में करीबन 9.3 करोड़ यूनिट व्हीकल बिकते हैं, इंडिया हालांकि 3 करोड़ यूनिट बेचती है। दोस्तों पिछले साल यहां पे पैसेंजर व्हीकल का ग्रोथ इतना अच्छा था नहीं, पिछले साल टू व्हीलर भी म्यूटेड 6% की ग्रोथ से बढ़ा था, करीबन 15% का एक्सपोर्ट था, यूरोप 2% से डाउन था, यूएस फ्लैट था, एशिया -3% और इंडिया में 6% का ग्रोथ। इस साल रिकवरी जरूर आई है, रिकवरी के साथ एक और नेगेटिव पॉइंट है जो चिप इंडस्ट्री सेमीकंडक्टर की अनअवेलेबिलिटी के कारण प्रोडक्शन इस साल काफी हद तक अफेक्ट होंगे, तो इन चीजों को हमें ध्यान में रख के दोस्तों आगे बढ़ना पड़ेगा। दोस्तों भारत की ऑटो कॉम्पोनेंट इंडस्ट्री पिछले कुछ दशक से बढ़िया ग्रोथ कर रही है, करीबन 4 लाख करोड़ का टर्नओवर 2018-19 में था, ऑर्गेनाइज अनऑर्गेनाइज मार्केट दोनों को मिला के। दोस्तों इंडिया की जो ऑटो कॉम्पोनेंट इंडस्ट्री है ये 2025 आते आते दुनिया की तीसरे नंबर की सबसे बड़ी इंडस्ट्री बनने वाली है, तो ऑटो इंडस्ट्री में अच्छा ग्रोथ है। दोस्तों इंडिया की जो कंपोनेंट मेकर है वो ग्लोबली अपनी प्रोडक्ट को अच्छा एक्सपोर्ट भी कर पा रहे हैं, क्योंकि यूरोपियन कंट्रीज से हम प्रोड्यूस 20-25% चिप कर पाते हैं। रिसेंट सिनेरियो 2018 से भारत और दुनिया सब म्यूटेड है, पिछले साल Q2 के बाद अच्छा ग्रोथ आया है, पर अभी वापस सेमीकंडक्टर के इश्यू है। तो करीबन 100 कंपनियां, आइए दोस्तों हम देखें कौन सी कंपनी यहां पे अच्छी है। अच्छी कंपनी जानने के लिए मैं सबसे पहले ऑटो इंडस्ट्री के डैशबोर्ड पे चला जाता हूं। ये डैशबोर्ड जैसा मैं यहां पे देख पा रहा हूं दोस्तों, डैशबोर्ड देख के मेरे को जो आइडिया आती है कि अगर 100 लिस्टेड कंपनियां हैं तो करीबन 100 लिस्टेड कंपनियों का मार्केट कैप 4 लाख करोड़ के करीब होता है। अब ये सारी कंपनी का मिलके अगर मार्केट कैप करीबन 4 लाख करोड़ है तो इनमें से 100 में से एक भी कंपनी दोस्तों निफ्टी 50 में नहीं है हालांकि, तो बड़ा मार्केट कैप होने के बावजूद भी क्यों कोई भी कंपनी निफ्टी 50 में नहीं है, क्योंकि ह्यूज कंपनी से बहुत ज्यादा कंपनी से बहुत सी कंपनी मिलके ये मार्केट कैप दे रही है। धंधा अगर हम देखें तो ये सारी 100 कंपनियां मिलके 2 लाख करोड़ का धंधा करती है, अगेन 2 लाख करोड़ का धंधा पर कोई निफ्टी में नहीं। दोस्तों इन कंपनियों को बनाने में करीबन प्रमोटरों का 2000 करोड़ लगा है, यानी पेड अप इक्विटी। तो जस्ट इंफॉर्मेशन आपके सामने है, 2000 करोड़ प्रमोटरों ने परसों पहले लगाए, जिसमें से आज 2 लाख करोड़ का धंधा हो पा रहा है और करीबन 4 लाख करोड़ का उसका मार्केट कैप बन पाया है। तो जैसा आप देख रहे हो बिजनेस से 2 गुना मार्केट कैप, राइट? जैसे इंडिया का भी अगर हम मार्केट कैप देखे लिस्टेड कंपनियों का टोटल मिला के तो 250 लाख करोड़ का मार्केट कैप है ना पूरी निफ्टी 50 का, तो 250 लाख करोड़ के मार्केट कैप में से 4 लाख करोड़ ऑटो पार्ट्स के पास आता है, राइट? यानी ऑलमोस्ट कितना हुआ, 2% जितना ऑलमोस्ट हुआ। अब ये निफ्टी 50 की सारी कंपनियां मिलके करीबन 80 लाख करोड़ का धंधा करती है, तब उनको मिलता है 250 लाख करोड़। यहाँ पे हम देख पा रहे 2 लाख करोड़ का धंधा ऑटो पार्ट की कंपनियां कर रही है और उनको 4 लाख करोड़ का मार्केट कैप मिल रहा है। दोस्तों कौन सी कंपनी का योगदान है मार्केट कैप में, तो जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो ये पूरा वर्ल्ड है 100 कंपनियों का, उसमें टॉप 14 कंपनीज रिस्पॉन्सिबल है 80% मार्केट कैप के लिए। तो जस्ट अमेजिंग, 14 80% के लिए रिस्पॉन्सिबल
और दूसरी 86 कंपनीज के पास खाली 20% मार्केट है। तो दोस्तों जो कंपनियों को वैसे भी कोई गिनता नहीं है, वैसी कंपनी पे ध्यान देके भी कोई काम नहीं, तो टॉप की 14 कंपनीज कौन सी है जहां पे फोकस किया जा सकता है? मदरसन सुमी सबसे बड़ी कंपनी दोस्तों, 19% मार्केट कैप पूरे ऑटो पार्ट्स का मदरसन सुमी के अकेले के पास। दूसरे नंबर पे आती है आपकी बॉश, तीसरे नंबर पे सोना कोम्स जिनका पिछले महीने ही आईपीओ आया था, चौथी है आपकी ट्यूब इन्वेस्टमेंट, एंड्यूरेंस, मिंडा, सुंदरम फास्टनर जैसी कंपनियां और भी कुछ कंपनियां, 14 कंपनियां मिलके 80% का मार्केट कैप। तो दोस्तों अगर मुझे ऑटो पार्ट इंडस्ट्री पे ध्यान देना है तो ये 14 कंपनियों को मुझे देखना हो। अब ये तो मार्केट कैप था, चलो सेल्स के डेटा भी हम लोग देख लेते। तो ये है ऑटो इंडस्ट्री के सेल्स के डेटा। अगेन जैसा हम देख पा रहे हैं दोस्तों, मदरसन सुमी 18% मार्केट कैप के लिए रिस्पॉन्सिबल था, पर धंधे में 30% का उसका योगदान है। तो ऐसा क्यों? 30% का योगदान पर 30% का मार्केट कैप नहीं है, क्योंकि दोस्तों मदरसन पे टैप है तो थोड़ा मार्केट कैप उसको कम मिलता है। तो यही कारण है कि क्यों मदरसन का धंधा ज्यादा पर मार्केट कैप इतना ज्यादा नहीं है। इंडस्ट्री में बहुत ज्यादा है, 30% सेल्स और मार्केट कैप 20%। सनक्ले लिमिटेड, सुंदरम क्लेटन, एक अच्छा इंडस्ट्री राइट, आपको आपने जाना हुआ ये मुरुगप्पा ग्रुप, एक्साइड इंडस्ट्री, फैरोक, बॉश, आमरा राजा, एंड्यूरेंस, मिंडिया, ट्यूब इन्वेस्टमेंट, ये सारी कंपनियां भारत की सबसे बड़ी कंपनियों में दोस्तों आती है। सुंदरम फास्टनर या इन मुरुगप्पा ग्रुप, किर्लोस्कर इंजीनियरिंग असाइंड है, ये पूरा ग्रुप मिलके बनता है 80%। तो यहाँ पे आप देख पाओगे जैसे व्हील्स, राणे होल्डिंग, JBM, ये सब कंपनियां धंधे में योगदान करती है पर उनका कोई लेना देना नहीं है मार्केट कैप में। क्यों? कुछ फंडामेंटल में कमी होगी, ये हम आगे देखेंगे। वैसे ही अगर हम प्रॉफिट्स के डेटा देखें तो होगी 100 कंपनियां पर टॉप 80% के लिए रिस्पॉन्सिबल जिनके प्रॉफिट है में नाम आता है मदरसन सुमी, एक्साइड, आमरा राजा बैटरी, सनक्ले, एंड्यूरेंस, बॉल्स, सुंदरम, ट्यूब इन्वेस्टमेंट जैसी कंपनियों का। तो ये 15 कंपनियां रिस्पॉन्सिबल है 80% प्रॉफिट मेकिंग के लिए। पूरा इंडस्ट्री मिलके जो प्रॉफिट करता है उसका 80% ये 15 कंपनी करती है और बाकी 85 कंपनी के हाथ में खाली 20% लगता है। सो नो नीड टू फोकस ऑन दोस कंपनीज विच आर नॉट एबल टू प्रोड्यूस एनीथिंग। तो फोकस्ड पूरी इंडस्ट्री पे करना है तो किधर करना पड़ेगा? यहाँ पे कुछ कंपनियां लिखी हुई है, मदरसन, बॉश, इन्वेस्टमेंट, एंड्यूरेंस, मिंडा, सुंदरम, एक्साइड, वेपको, एमरा राजा, साई, सनक्ले, वैरोक्स, प्रजित और सोना कॉम्स जैसी कंपनियों पे। ये कुछ फोकस कंपनियां हो सकती है जिनके पीछे रिसर्च किया जाए, क्योंकि कितनी कंपनी के पीछे भी रिसर्च करने का, 100 कंपनियां है, 100 के 100 को तो देखेंगे नहीं, बराबर है। तो चलो दोस्तों इन कंपनियों के और डेटा हम आगे देखते हैं। अगर इन्हीं कंपनियों के मैं प्री कोविड डेटा देखूं, चलो कोविड में हम मान सकते हैं कि आपकी कंपनी में कुछ इफेक्ट आया हो, पर प्री कोविड डेटा अगर ये इंडस्ट्री का देखूं तो सोना कॉम्स जिसका अभी आईपीओ आया, अच्छा ग्रोथ है, मिंडा इंडस्ट्री, मदरसन सुमी, सनक्ले, ये सब कुछ तगड़े ग्रोथ वाली कंपनियां है प्री कोविड भी। तो ग्रोथ खाली नहीं दिखने का, देखो ग्रोथ अच्छी चीज है पर ग्रोथ के साथ जब क्वालिटी का कॉम्बिनेशन होता है तब वेल्थ होती है। अगर खाली ग्रोथ हो कंपनियों में और क्वालिटी ना हो तो शेयर के भाव में वॉलेटिलिटी बहुत होती है, आपकी अर्निंग में वॉलेटिलिटी बहुत होती है, प्रॉफिट्स कंसिस्टेंट नहीं आते। वैसे ही अगर आपके पास हाई क्वालिटी कंपनी है पर ग्रोथ नहीं है तो खाली अर्निंग आती है कंसिस्टेंट, वो अर्निंग बढ़ती नहीं है। तो दोनों चीजों में से कुछ भी एक चीज मिसिंग है तो बढ़िया पैसा नहीं बनता है दोस्तों। इसलिए हमें हमारी कंपनियों में ये दोनों चीज देखना जरूरी है। तो पहले हमने ग्रोथ एनालिसिस किया, अब हम क्वालिटी भी यहाँ पे देखते हैं। दोस्तों क्वालिटी जब इन कंपनियों की देखे तो सबसे पहली चीज हमने यहाँ पे देखी है प्रॉफिट मार्जिन। अगेन सोना,
जिनका अभी आईपीओ आया, दे आर हैविंग वेरी गुड मार्जिन। सुंदरम फास्टनर के बढ़िया मार्जिन, आमरा राजा बैटरी गुड मार्जिन, और उसके बाद कुछ कंपनियां आती है। तो यहाँ पे जैसे आप देख रहे हो वैरो की लॉस मेकिंग कंपनी, ऐसी कंपनियों से दोस्तों दूर रहा जाए, बुरे समय पे ही हकीकत पता चलती है। दोस्तों बुरे समय में जो कंपनियां लॉस में आ गई और इतने बुरे समय में जो कंपनियों ने आपको साथ दिया, ये वो कंपनियां हैं दोस्तों जो आने वाले 10 साल 20 साल 30 साल भी साथ देगी, क्योंकि आने वाले 2-1 दशक में भी बुरा समय बहुत बार आएगा, कुछ ना कुछ कठिनाई आएगी, तब आपकी ये लॉस मेकिंग कंपनी वापस लॉस करेगी, तो आपके पोर्टफोलियो में वोलेटिलिटी हाई रहेगी, दूर रखो ऐसी कंपनी। देखो डेप्लॉयिंग कैपेसिटी भी अगर हम चेक करें तो यहाँ पे बॉश डेप्लॉयिंग कैपेसिटी उनकी बहुत आएगी। अगेन देखो मल्टीनेशनल कंपनी है, 100-100 साल पुरानी ये कंपनियां है, कोई क्वालिटी में तो कोई डाउट होगा नहीं, पर मल्टीनेशनल कंपनियों की एक ड्रॉबैक होता है, उनकी क्वालिटी अच्छी होती है लेकिन ग्रोथ इतना अच्छा नहीं होता है, राइट? आपने देखा जैसे ग्रोथ में उनका नाम नहीं, बॉश का ग्रोथ कितना है देखो, प्री कोविड प्री अरे यार माइनस इंटर है ना, तो ग्रोथ में हम यहाँ पे फिर मार खाते हैं, राइट? क्वालिटी वाइज दे आर गुड, तो बॉश, एंड्योरेंस, आमरा राजा, वापको अगेन मल्टीनेशनल, सो हाई क्वालिटी, पर ग्रोथ में हम इधर भी मार खाते हैं। देखो वैपको का -15% ग्रोथ, तो दोनों ही मल्टीनेशनल ने ग्रोथ नहीं किया। तो मल्टीनेशनल कंपनियां में ये सेक्टर नहीं, आपको ज्यादा सर सेक्टर में मैं बताता हूं, उनका ग्रोथ म्यूटेड रहता है बुरे समय। इंडियन कंपनियों के पास पूरी दुनिया है ग्रोथ करने के लिए, तो वो ग्रोथ अच्छा करती है। यहाँ पे डेप्थिंग कैपेसिटी अगर मल्टीनेशनल को छोड़ के देखे तो एंड्यूरेंस की डेप्थिंग कैपेसिटी हो, अमरा राजा, सुंदरम फास्टनर, दिस ऑल आर हैविंग गुड डेप्थिंग कैपेसिटी, राइट? उसी हिसाब से डेप्थ टू इक्विटी रेशियो अगर हम देखें तो अगेन वैपको, एंड्यूरेंस, बॉश, आमरा राजा, दिस ऑल आर ऑलमोस्ट डेप्थ फ्री कंपनीज। तो वैपको और बॉश तो हमने पहले ही बोल दिया डेप्थ होगी नहीं, तो तगड़ी कंपनियां है पुरानी पुरानी सब। एंड्यूरेंस, आमरा राजा कंपनियां इंडियन कंपनियां है जो डेप्थ फ्री कंपनी है, सो दिस पॉइंट शुड बी नोटेड, गुड वन, राइट? उनके अलावा भी सुप्रजीत एक्साइड, सुंदरम फास्टनर, सोना, इनको भी हम कंफर्टेबल डेप जरूर दोस्तों कहेंगे। जनरली ये हम देखते हैं डेपिंग कैपेसिटी दोस्तों आपकी 30 से ज्यादा हो देन इट्स गुड, डेप टू इक्विटी रेशियो आपका 20% से कम हो दैट इज हाईली कंफर्टेबल, राइट? तो यहाँ पे डेप टू इक्विटी रेशियो आपका इन सब कंपनियों का तो नीली है, दे आर बेस्ट कंपनी। तो देखो क्वालिटी वाइज अगर हम देखें तो ये डेटा देख के पता चलता है कि आमरा राजा, एंड्यूरेंस जैसी कंपनियों में क्वालिटी है, राइट? सुंदरम फास्टनर, ये कुछ क्वालिटी कंपनियां हैं। ग्रोथ देखे तो मल्टीनेशनल में ग्रोथ नहीं है, मल्टीनेशनल क्वालिटी तो सारी है, बॉश वैपको हम कुछ भी नहीं कह सकते, हाई क्वालिटी, ग्रोथ नहीं है, बराबर है? तैयारी रखनी पड़ेगी। देखो आप अगर क्वालिटी में निवेश करते हो, आपको अगर कंसिस्टेंट इनकम चाहिए, आप बोलते हो मेरे को हाई क्वालिटी में डालना है, तो फिर हो सकता है फिर आप उनमें डालोगे सिर्फ क्वालिटी में तो ग्रोथ ना भी मिले, और आप अगर सिर्फ ग्रोथ में डालो तो पैसा तेजी से बढ़ेगा पर गिरेगा भी तेजी से, कंसिस्टेंसी नहीं रहेगी, राइट? इन्हीं सारी कंपनियों का अगर मैं रिटर्न ऑन इक्विटी रेशियो, टोटल कंपनी के पास जितना इक्विटी है उसके हिसाब से जो कंपनी अच्छा प्रॉफिट करती है, यू कैन सी हियर सनक्ले, अभी इतना अच्छा ग्रुप है इनकी, तो कोई कंपनियों का रिटर्न ऑन इक्विटी खराब नहीं होगा दोस्तों, राइट? गुरुग्रप्पा ग्रुप इज अ वेरी ओल्ड एंड गुड ग्रुप ऑफ इंडिया, सोना, आप कंसिस्टेंसी की उम्मीद ऐसे ग्रुप में दोस्तों रख सकते हो, सोना कॉम्स, सुंदरम फास्टनर, अमरा राजा बैटरी, एंड्यूरेंस, सुप्रजीत, ट्यूब इन्वेस्टमेंट, मदरसन, दिस ऑल आर हैविंग गुड रिटर्न ऑन इक्विटी। दोस्तों भाव देखिए दोस्तों, पिछले 20 सालों में आमरा राजा बैटरी ने जबरदस्त रिटर्न दिया है, मतलब 2 डिकेड का अगर सबसे तगड़ा अगर हम रिटर्न देखें यहाँ पे तो वो कहाँ से आ रहा है, देखो आमरा राजा हैव गिवन यू अराउंड 30% कगार रिटर्न, तो अंदाजा लगाओ करोड़ ऑफ रुपीस आपके इन्वेस्टमेंट के हुए होते अगर हमने ऐसी कंपनी में निवेश किया होता, ह्यूज वेल्थ हैज बीन क्रिएटेड। पिछले 2 दशक में 30% कगार
मदरसन सुमी, ऑलमोस्ट सेम मदरसन सुमी जैसा आप देख रहे हो 30%, और मिंडा इंडस्ट्री सेम, किधर है मिंडा 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 मिंडा, या हियर 20-29%, ऑलमोस्ट तीनों का सेम ही ग्रोथ है। 10 साल में आप देखो तो मिंडा का ग्रोथ कंसिस्टेंटली अच्छा ही है। सनक्ले 10 साल में है, वो 20 साल में इतना अच्छा नहीं था। सुंदरम फास्टनर, वैपको, अब वैपको के तो आपको डेटा ही नहीं मिलेंगे 20 साल के, क्योंकि वो कंपनी नहीं थी लिस्टेड, राइट। अगर आप 5 साल में देखो तो मिंडा एक कंसिस्टेंट परफॉर्मर है, देखो लॉन्ग टर्म में और मिड टर्म में दोनों में, राइट। मैं आपको 5 साल के भी उसके रिटर्न 60% कगार है यार, जबरदस्त रिटर्न है, राइट। तो उसने कंसिस्टेंटली अच्छे रिटर्न दिए, कोई डाउट नहीं है उसमें। सुंदरम फास्टनर, एंड्यूरेंस, सुप्रजित, असाई, मदरसन सुमी, दीज आर द कंपनीज विथ गुड मिड टर्म ग्रोथ। ओवरऑल देखें तो यहाँ पे ऑटो की कंपनी ने आपको अच्छी खासी कमाई करके दी है। तो आपकी आमरा राजा हो, मदरसन हो, मिंडा हो, सुंदरम फास्टनर हो, दीज ऑल कंपनी हैव गिवन यू वेरी गुड रिटर्न ड्यूरिंग लास्ट फ्यू डिकेड्स। आपको दोस्तों कितना चाहिए? आप 12% की उम्मीद करते हो, 25-25% इन लोगों ने रिटर्न दिए तो बढ़िया पैसा कमा। अब 5 साल में सारी मेजोरिटी ऑफ द कंपनीज के रिटर्न म्यूटेड भी है, तो ऐसा पूरा भी लगाने का जरूरत नहीं है। 5 साल से ऑटो भी तो म्यूटेड है, तो ऑटो म्यूटेड है इसलिए आपके मदरसन ने 13% रिटर्न दिए। और 13 इज नॉट बैड इफ यू कंसिडर्ड विच योर ऑटो इंडस्ट्री, राइट। तो मदरसन ओवरऑल ये हमने नोट किया है कि मदरसन भले डेप बर्डन वाली कंपनी है पर कम से कम हाई ग्रोथ के कारण पैसा बनता ही था, और इतनी डेप्ट होने के बावजूद भी पूरे समय में वो प्रॉफिट भी कर पाती है। तो वेरी गुड मैनेजमेंट फ्रेंड्स इन मदरसन, राइट। इस साल का क्या हाल है? अगर मैं इस साल के डेटा देखू, जैसा दोस्तों डेटा तो आपके सामने ही है, यहाँ पे देखो मेजोरिटी ऑफ द कंपनीज आपकी अच्छे ग्रोथ पे, जिसमें सबसे बढ़िया सेल्स ग्रोथ आप देख सकते हो मदरसन सुमी, मिंडा, सोना, वैपको, सनक्ले, सुंदरम फास्टनर, सुप्रजित, एंड्यूरेंस। ज्यादातर कंपनियों के ग्रोथ पिछले Q1 से बहुत अच्छे, क्योंकि पिछले Q1 में बेस काफी कम था। प्रॉफिटेबिलिटी देखे तो प्रॉफिटेबिलिटी भी बहुत अच्छी पड़ी है इनकी। अब लो प्रॉफिटेबिलिटी देखे तो देखो वैरोक ने तो लॉस किया है, और जो बैटरी की कंपनियां है दोनों ही एक्साइड आमरा, दोनों के प्रॉफिटेबिलिटी इतनी तगड़ी नहीं है जितनी बाकी की कंपनियों की है। सेल्स भी दोनों की म्यूटेड है, देखो आमरा राजा का धंधा 54%, एक्साइड का 40% वर्सेस इंडस्ट्री मेजोरिटी 100% ग्रोथ से पड़ी है, राइट। तो बैटरी में थोड़ा म्यूटेड फेस चल रहा है, ये डेटा देख के हम कह सकते हैं। तो इन सारे डेटा को ध्यान में रख के मैं कह सकता हूं कि होगी 100 कंपनियां, पर मेरे को लॉन्ग टर्म वेल्थ के लिए निवेश करना है। मैं यहाँ पे आमरा राजा जैसी कंपनी पे जरूर निवेश कर सकता हूं, जहां पे ग्रोथ भी है, जहां पे प्रॉफिटेबिलिटी भी है। मिड टर्म बैटरी में कुछ प्रॉब्लम है, जो एक्साइड में भी दिख रहा है, आमरा में भी दिख रहा है। प्रॉब्लम मतलब म्यूटेड ग्रोथ है, पर ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आप यहाँ पे भी अच्छा रिटर्न देखोगे। मदरसन सुमी हाई ग्रोथ, क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज है थोड़ा, पर ये अगेन मैं कहता हूं आपको पूरे समय में भी प्रॉफिट करके निकल गए, तो यस दे आर गुड। मिंडा, सुंदरम फास्टनर, वैपको एंड बॉश फ्रॉम मल्टीनेशनल आर आल्सो गुड, पर ग्रोथ में हाई कॉम्प्रोमाइज है दोनों में, राइट। कहीं पे भी आप पैसा लगा रहे हो यहाँ पे, ये 15 कंपनियां, 15 में से अब आपके पास 3 कितनी बची, 4 ऑलमोस्ट, ये 12-13 कंपनियां जो है वैरोक हमने इसमें से निकाल दी। 12-13 कंपनियों में पैसा डालोगे दोस्तों ओवरऑल पैसा बनेगा, अभी 12 में नहीं डालने का यार। कोई भी एक कंपनी में अगर आप पैसा डालते हो ऐसा नहीं है कि वो उल्टा चलेगा, राइट। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ऑटो में ग्रोथ आता है, ऑटो पार्ट्स परफॉर्म करता है, तो आपकी सारी कंपनियां ग्रोथ करेगी। तो बाकी 85 को देखने की जरूरत नहीं, पर इन 12-13 कंपनियों में पैसा रहा तो ग्रोथ अच्छा हमारा होना चाहिए, जिसमें भी हाई प्रायोरिटी मैंने आपको बताई आमरा राजा, मदरसन, मिंडा, सुंदरम फास्टनर, वैपको जैसी कंपनी पे ज्यादा प्रायोरिटी होनी चाहिए, राइट। सो दिस इज ऑल अबाउट ऑटो इंडस्ट्री।
कोई भी एक आधी कंपनी में निवेश कर सकते हैं। ऑटो पार्ट्स में करीबन 2-1% का निवेश बनता है। अब दोस्तों मदरसन में अगर आप पैसा डालते हो तो दोस्तों मदरसन सबसे बड़ी कंपनी, पर आप कॉम्प्रोमाइज भी कर रहे हो तो इसको भी नहीं भूलने का, तो आप यहाँ पे 1-2% से ज्यादा पैसा नहीं डाल सकते। अगर आप आमरा राजा सुंदरम जैसी कंपनी सिलेक्ट कर रहे हो वो भी ये ध्यान में रखना पड़ेगा, या मिंडा जैसी, क्योंकि धंधे इतने बड़े नहीं है। ये क्यों होगा? क्योंकि उनकी जो प्रोडक्ट है वो कुछ निश मार्केट की होगी, जिसका जो स्टेक होता है ओवरऑल सेक्टर में उतना ही होता है, तो रिस्क भी होता है थोड़ा दोस्तों। इसी वजह से अगर आप वैसी कंपनी में डाल रहे हो, आमरा राजा मिंडा सुंदरम जैसी कंपनी में, तो भी क्वालिटी अच्छी है लेकिन 1-2% से ज्यादा नहीं डाल सकते, राइट? तो पूरे सेक्टर में जो कंपनी आप ले रहे हो 1-2% मैक्सिमम, इतना पैसा दोस्तों काफी, राइट? अब दोस्तों इन डिटेल अगर मैं कुछ कंपनियों की जानकारी लेना चाहता हूं, जैसे यहाँ पे मेरे पास आमरा राजा बैटरी मदरसन मेजोरिटी ऑफ द कंपनी के है, मैं सारी कंपनी की बात नहीं करूंगा। ये देखो ये है ग्रोथ दोस्तों, 19 करोड़ के धंधे से ये कैसे 60,000 करोड़ के टर्नओवर तक पहुंचे, ह्यूज ह्यूज ग्रोथ। कब आपने देखा कि धंधा घटा? पिछले साल सेल्स डाउन हुआ या आपके सामने है, हमने पिछले साल लाइफ टाइम हाई सेल्स मदरसन में नहीं लगाया है, लेकिन ये साल हम उम्मीद रख सकते हैं कि ग्रोथ आना चाहिए, राइट? देखो डेप भी काफी आई है, ये डेप को हम बहुत कम डेप नहीं कह सकते दोस्तों। टोटल रिजर्व कंपनी के पास 16,000 करोड़ की है, उसके सामने डेप 7,500 करोड़ की है, तो करीबन 45% का डेप टू इक्विटी रेशियो है, नॉट टू लेस, राइट? हम इसे नेट डेप फ्री कंपनी कह सकते हैं, पर फिर भी ये डेप आपके प्रॉफिट को खाती है, राइट? आने वाले समय में मैं जरूर उम्मीद रखूंगा दोस्तों मदरसन सुमी ऑटो पार्ट में पहली भारत की कंपनी बनेगी 1,00,000 करोड़ के टर्नओवर में पहुंचने वाली। ये आने वाले 5-8 साल में जरूर हम लोग दोस्तों देख पाएंगे। अगर ऐसा होता है तो मदरसन में पैसा तो बनना ही। करंट रिजल्ट भी दोस्तों बहुत अच्छे है, लेकिन करंट रिजल्ट में जो म्यूटेड फेज, जो सेमीकंडक्टर की वजह से जो आएगा, जो प्रोडक्शन डाउन की इफेक्ट Q2, Q3 में हमें देखने को मिलेगी, वो यहाँ पे नहीं दी गई हो, राइट? तो जो फॉल आएगा उसकी वजह से, ऐसे जो मैंने यहाँ पे चार्ट भी दिया हुआ है, ओ माय गॉड चार्ट निकल गया, नो प्रॉब्लम। फॉल में जो जो इधर कर देते हैं, चलो ये तो गए, थैंक यू, ओके। 180 के करीब जो फॉल आता है उसमें हम जरूर बाय कर सकते हैं, टारगेट 320 का नेक्स्ट ईयर का रखना चाहिए। देखो अभी ये किस पे डिपेंड है, सेमीकंडक्टर का इश्यू जितना जल्दी सॉल्व होगा तब ग्रोथ आएगा, बराबर है? लोअर लेवल पे बाय करने में हर्ज नहीं है, बुरे से बुरे समय में भी इसने आपको थम्स अप करवाया था, राइट? तो अगेन इनके साथ अगर आप आमरा राजा भी देखो, देखो जबरदस्त ग्रोथ दोस्तों कंपनी का, 200 करोड़ के टर्नओवर से 7,000 करोड़ पहुंच गए दोस्तों, प्रॉफिट 50 करोड़ से कहा इनका 700 करोड़ पहुंच गया है, राइट? सो कंपनी इज गुड, करीबन 4,000 करोड़ रिजर्व में है और डेप्ट फ्री कंपनी है, 62 करोड़ का डेप्ट लीज मिला के मतलब नथिंग, डेप्ट टू इक्विटी रेशियो 1% का हुआ। अब ऐसी कंपनी में प्रॉफिटेबिलिटी की उम्मीद जरूर रख सकते हो। अगेन बाय की रेंज 700 से 570, ये पूरी रेंज आपकी बाइंग रेंज है, 1,000 रुपये हम आने वाले 2 साल में उम्मीद करेंगे, राइट? सो दिस इज ऑल अबाउट योर सेक्टर। देखो यहाँ पे और काफी कंपनी है, हम सब कंपनी की डिटेल जानकारी नहीं ले सकते। ओवरऑल जो अच्छी कंपनियों की हमने बात की, अगर वहां पैसा डालेंगे दोस्तों पैसा बन सकता है, राइट? ये आपका डिपार्टमेंट स्टोर इंटरनेट रेस्टोरेंट जैसा हाई ग्रोथ सेक्टर नहीं है, तो यहाँ पे आप 15-20% का अगर उम्मीद मत करना। ये ऑटो से जुड़ा हुआ सेक्टर, अगर ऑटो में मंदी रहेगी तो ओरिजिनल इक्विपमेंट प्रोड्यूसर ज्यादा माल खरीदते हैं, तो अगर उनका धंधा कम हुआ तो वो ऑटो पार्ट को इफेक्ट कर सकता है, तो ये सेक्टर एक मेन ऑटो पे डिपेंड रहने वाला सेक्टर, ये डिपार्टमेंट स्टोर या रिटेल नहीं है कि आप 15-20% ग्रोथ उम्मीद करो, ये सब तैयारी एज ए इन्वेस्टर दोस्तों रखने की, राइट? तो ये था दोस्तों ऑटो पार्ट्स के बारे में जानकारी, बहुत अच्छा लगा आप लोगों से बातचीत करके। 26 तारीख
आप जानती हो दोस्तों, पुणे, हैदराबाद, गोवा, वडोदरा, राजकोट जैसे शहर के निवेशकों के लिए हमने 5 स्टेप टूवर्ड वेल्थ रखा गया है, तो मिलेंगे उस दिन। और सितंबर में कोई न्यू बैच हम शुरू नहीं कर रहे हैं लर्निंग की, तो लर्निंग की नई बैच होगी दोस्तों 28 अक्टूबर से। कैन बुक योर सीट टिल दैट टाइम। पसंद आया हो डेटा सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा कि अगर आप कोई कंपनी पसंद कर रहे हो कौन सी कंपनी इनमें से पसंद करोगे। जरूर आपके दिमाग में इलेक्ट्रिफिकेशन होगा। अब दोस्तों अगर आपके दिमाग में है तो आपको क्या लगता है ये सब कंपनी के दिमाग में नहीं होगा? हर एक कंपनी के दोस्तों उन पे काम चल रहे हैं, और हर एक कंपनी, ये मैं आपको 5 साल पहले भी कहता था कि आप जितना जल्दी सोच रहे हो उतना जल्दी इलेक्ट्रिफिकेशन नहीं आएगा। देखो कितना समय हमारा बीत गया, अभी भी हम खाली 1% इलेक्ट्रिक व्हीकल पेनेट्रेटेड है। तो आने वाले 10 साल में ये होगा, पर कंपनियां भी अपने आप को उसी में ढालेगी, राइट? सो यस, कैन स्टे इन्वेस्टेड। थैंक यू वेरी मच, बेस्ट ऑफ लक टू एवरीवन। जय हिंद।